सो हे गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम लाइन इंटीग्रल्स का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम समझेंगे कि लाइन इंटीग्रल्स होता क्या है। सो आप जैसे देख सकते हो कि लाइन इंटीग्रल्स कंसीडर कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन, राइट। जो हमारे पास एफ आर दिया है, एक कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन हमारे पास एक दिया गया है, विच इज डिफाइंड एज कर्व सी इन स्पेस, जो की कर्व सी में डिफाइंड है इन स्पेस में, राइट। द लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ आर, जो एफ आर लाइन इंटीग्रल है, अलोंग कर्व सी इज रिटेन एज, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ए लिमिट सी है अलोंग विच कर्व सी और एफ आर डी आर, डी आर के रिस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेट करेंगे। तो कंसिडर कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन एफ आर, एफ आर हमारा कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन है, सी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं और डी आर इसका इंटीग्रेशन लेते हैं। तो जैसे एफ आर को हम लेंगे, एफ आर के लिए वैल्यू होता है एफ एफ आई प्लस फाइव जे प्लस साई के, और हम जो आर है आर को लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी आर हो जाएगा आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जे। तो चलिए इसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो इंटीग्रेशन सी एफ आर का वैल्यू हमारे पास है एफ आई प्लस फाइव जे प्लस साई के डॉट प्रोडक्ट, एंड डी आर का वैल्यू हमारे पास है आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जे। जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा एफ डी एक्स प्लस फाइव डी वाई प्लस साई डी जेड। तो ये हमारा वैल्यू है और इसके थ्रू हम फिर लाइन इंटीग्रल्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइन इंटीग्रल्स के क्वेश्चन के साथ।